हेलो एवरीवन, दिस इज अंशुमन एंड वेलकम टू राइट विद पेटिंग। स्वागत है आपका हमारे इस ईगल एग्यू सीरीज के नए एपिसोड में। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ईगल एग्यू एक ऐसी सीरीज है जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग के कुछ अच्छे स्टॉक्स आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, जो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। याद रखिएगा, ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियोज बस मैं एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाता हूँ। तो अगर आपको इन स्टॉक्स में बाय करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद या फिर खुद से एनालाइज करने के बाद ही बाय करें। तो देखिए, ये है हमारा ऑप्शंस का ग्रुप जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे जो भी स्टॉक ऑप्शंस के मुझे कॉल अच्छे लगते हैं मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये देखिए, 66,400 का सी मैंने सेंसेक्स का 15 रुपए पे दिया था, 10 रुपए का एसएल था और इसने यहाँ पे ऑलमोस्ट 105 रुपए के आसपास का हाई लगाया है। ठीक है, और भी ऐसे मैंने बहुत सारे कॉल आज इस ग्रुप में दिए हैं और इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है, ना ही मेरे रेफरल लिंक से कोई डीमैट अकाउंट खोलने की जरूरत है। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वो एक पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट लेके सब्सक्राइब किया हुआ मुझे इस पर्टिकुलर यूजर आईडी पे भेज देना है। ये जो हमारा पर्टिकुलर यूजर आईडी मैंने यहाँ पे इस मैसेज में पिन करके रखा हुआ है, सिर्फ इस यूजर आईडी पे आपको वो मैसेज कर देना है स्क्रीनशॉट के साथ, मैं आपको उस ग्रुप में एड कर दूंगा। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर ग्रुप में मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स शेयर करता हूँ, तो डेली बेसिस पे आपको ठीक ठाक रिटर्न दे सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा ये वाला ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आई होप आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि 11 दिन में 50% का रिटर्न। देखिए, ये वो पर्टिकुलर स्टॉक है, दैट इज ओमैक्स लिमिटेड। ये पर्टिकुलर स्टॉक मैंने यहाँ पे 63.40 रुपीज के आसपास दिया था और मैंने बोला था अबव 64 बाय करना है। ये पर्टिकुलर स्टॉक देखिए, यहाँ पे हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 दिनों के अंदर यहाँ पे 50% के आसपास का रिटर्न देता हुआ दिख गया है। आपको प्रूफ देखना है, मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहूंगा, ये इमेज को देख लीजिए। आई होप आपने देख लिया कि यहाँ पे सितंबर 27 को मैंने ये पर्टिकुलर स्टॉक शेयर किया था और 11 वर्किंग डेज के अंदर ये पर्टिकुलर स्टॉक हमें यहाँ पे टारगेट देता हुआ दिख गया है। और ये पर्टिकुलर स्टॉक देखिए, आने वाले समय में मेरा ये पर्टिकुलर टारगेट है जो 111 तक का यहाँ तक भी रीच कर सकता है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे पहले स्टॉक की तरफ। तो आज का जो हमारा पहला स्टॉक है वो है, तो आज का जो हमारा पहला स्टॉक है दैट इज राइट्स लिमिटेड। राइट्स लिमिटेड को मैंने यहाँ पे क्यों सेलेक्ट किया, अगर आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक को ध्यान से देखें, ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ना, यहाँ पे देखिए एक बड़े टाइम फ्रेम के बाद यहाँ से देखिए एक प्रॉपर रिजेक्शन के बाद, यानी कि एक प्रॉपर कंसोलिडेशन के बाद उसने इस एरिया पे 2020 से लेके उसने नियर अबाउट 2022 के आसपास इस एरिया का ब्रेक किया था। ठीक है, ब्रेक करने के बाद देखिए, ये जो मैंने वीकली में ट्रेंडलाइन मार्क करा है ना, ये वीकली में ट्रेंडलाइन से सपोर्ट लेता हुआ कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ से आपको एक चीज दिखा दूं ना, सिंपल तरीके से देखिए, ये जो डेली टाइम फ्रेम का मेरे सामने चार्ट खुला हुआ है, रिसेंटली इसने यहाँ से हाई लगाया था 585 रुपीज के आसपास का और यहाँ से ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, ये जो हमारा एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया है ना, जहाँ पे देखिए प्राइस ने ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट किया है, उसी एरिया पे आके प्राइस फिर से रुका हुआ है। ठीक है, और वहीं से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो आने वाले समय में मेरे इस पर्टिकुलर स्टॉक में दो टारगेट हो जाएंगे। मेरा पहला टारगेट होगा 540 रुपीज के आसपास का और जो मेरा दूसरा टारगेट है वो होगा 580 रुपीज के आसपास का, जो मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख रहा हूँ, दैट इज राइट्स लिमिटेड। और अगर मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम में ये स्टॉक एक बार दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए, ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टॉक इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन करता हुआ जा रहा है। और अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये जो हमारा ट्रेंड लाइन था जहां से प्राइस देखिए मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले रहा था, अभी देखिए प्राइस ने क्या करा है, उस एरिया को ब्रेक करके वहीं से रिटेस्ट करके वहीं से ऊपर जाना चाह रहा है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे इस चार्ट को देखें तो आपको देखिए प्रॉपर कंफर्मेशन मिलेगा, ब्रेकआउट रिटेस्ट और वहीं से प्राइस देखिए ऊपर बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर बेसिस पे भी अगर मैं बात करूं तो ये दोनों टारगेट हमें आने वाले समय में अचीव होते हुए दिख सकते हैं। तो आज का जो मेरा दूसरा स्टॉक है वो है मैक पावर सीएनसी मशीन्स एंड लिमिटेड। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखिए मैंने इसलिए यहाँ पे सेलेक्ट किया, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे इस चार्ट को यहाँ पे ध्यान से देखें तो देखिए ये एक पर्टिकुलर एरिया था जहां से प्राइस प्रीवियसली रिजेक्ट करता हुआ हमें दिख रहा है। देखिए इसी पर्टिकुलर एरिया से रिजेक्शन है, फिर वहीं से रिजेक्शन है, देखिए प्राइस ने उस एरिया को ब्रेक किया, वहीं से रिटेस्ट करके देखिए प्राइस ने बाउंस करा था, नियर अबाउट इसने 420 का हाई लगाने के बाद प्राइस अच्छा खासा फॉल करा और फॉल करने के बाद देखिए, जैसे मैं बोलता हूँ, जब तक एक सपोर्ट एरिया से बायर्स को ऑपरेटर निकालेंगे नहीं, यहाँ पे प्राइस पंप नहीं करता। ये जो सारी चीजें है ना, लोग अपने कोर्स में बताते हैं लाखों रुपए चार्ज करके, मैं ये सारी चीजें आपको फ्री में बताता हूँ, आपको इस तरीके की माइंडसेट देने की कोशिश करता हूँ मेरे लर्निंग वीडियोस के थ्रू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑपरेटर्स ने बायर्स को निकाला,
ये जो बायर्स यहाँ पे सस्टेन कर रहे थे उन्हें यहाँ से निकाला, स्ट्रेट यहाँ से फॉल दिखाया, फॉल दिखाने के बाद देखिए प्राइस ने कैसे रिक्लेम किया, रिटेस्ट किया हमारे लेवल पे, दैट इज 267 का लेवल, और वहीं से प्राइस ने बाउंस किया था, और फिर देखिए अभी थोड़ा सा फॉल करने के बाद प्राइस यहाँ से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में मेरे यहाँ पे जो पहले टारगेट होगा, मेरा जो पहला टारगेट है वो होगा हमारा 360 के आसपास का, 7-8% का हमारा पहला इनिशियल टारगेट होगा, और अगर ये टारगेट हमारा कंप्लीट होता है देन हमारे सेकंड टारगेट हो जाएंगे 416 रुपीज के आसपास के। तो अगर मैं ओवरऑल टारगेट्स की बात करूं तो आने वाले समय में ये वाले टारगेट्स तक मार्केट रीच कर सकता है, दैट इज 24% तक का टारगेट। अब अगर आप यहाँ पे और एक चीज ध्यान से देखो, देखो वीकली टाइम फ्रेम में मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप एक चीज ध्यान से देखिए कि जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि एक पर्टिकुलर एरिया को जब प्राइस ब्रेक करता है ना और वहां से अच्छा खासा समय बिताने के बाद जब बाउंस करता है ना, तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है कि ये प्रीवियस हाईज तक तो जाएगा ही, पर आने वाले समय में उन एरियाज को ब्रेक करके और भी ऊपर जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्राइस वाइज करेक्शन तो हुआ ही है, प्लस यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप इन सब चीजों को फोकस करना स्टार्ट करोगे ना तो आपको काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो अभी देखिए प्राइस यहाँ पे प्राइस वाइज करेक्शन किया, फिर टाइम वाइज करेक्शन किया, यहाँ से बायर्स को निकाला, तो सारी चीजें हमारे यहाँ पे फेवर में दिख रही हैं। ठीक है, याद रखिएगा मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में गलत भी हो सकता हूँ, कोई भी 100% मार्केट में सही नहीं होता, मैं जिन प्रोबेबिलिटीज को देख के स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ वही चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर स्टॉक के ये दोनों हमारे टारगेट्स हो जाएंगे, पर अगर ये दोनों टारगेट्स को फ्यूचर में अचीव करता है ये पर्टिकुलर स्टॉक, तो आने वाले समय में मैं आपको इन स्टॉक्स में अपडेट देता हुआ दिख जाऊंगा। ठीक है, तो यही था आज के हमारे वो दो स्टॉक जो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया था। अगर आपको मेरी एनालिसिस सिंपल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के दो वीडियोस एंड एवरी मॉर्निंग 9:15 से लेकर 2:30 तक बैंक निफ्टी में लाइव स्ट्रीम एंड एवरी वीकेंड पे आप लोगों के लिए लर्निंग वीडियोस भी लेके आते रहता हूं। और आपके लाइक मुझे मोटिवेट करते हैं ऐसी वीडियो बनाने के लिए, और आपका एक सब्सक्राइब कहीं ना कहीं हमारे फैमिली को ग्रो करता है, सो डू सब्सक्राइब। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद, वंदे मातरम।